गाइस अभी हम पांगना पहुंचने वाले हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पांगना नीचे, ये देखिए पांगना। तो हम फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद पांगना पहुंच चुके हैं। बंदी बनने से पहले ब्रेकअप करवा दिया है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? हैं? प्लस वन। कितने सब्जेक्ट होते हैं प्लस वन में? बोले तो बैंगन तो ये देखिए गाइस पांगना, हम पांगना पहुंच चुके हैं अभी। और ये पुलिस चौकी, और ये देखिए पहाड़ियाँ। सो गाइज हम पांगना पहुंच चुके हैं और हमें ये देखिए, तो इसको अभी साथ लेके चलेंगे फिर शादी वाले घर। और दोस्त जो जिसके घर जा रहे हैं वो भी यहीं पे आ रहा है, उसका वेट करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। तो गाइज अभी हम पूरे गाड़ी पूरे जिनको लेना था बस सब बंदे इकट्ठे हो चुके हैं इधर। और ये देखिए जिसके घर जा रहे हैं हम, ये वही है, ध्यान से देखिए इस इंसान को। और आगे देखिए एशिया का सबसे खतरनाक रोड। और ये देखिए ओए जल्दी आ घर लाइन ऊपर से मिनिश लेवल है ना, मिनिश लेवल ना, मेरे गल सुन, एक गाड़ी साउंड कर, काम गाड़ी का साउंड काम कर ले पहले, मेरे गल सुन थोड़े के बिल्कुल काम कर। ये पाइदड़ा 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 सबसे पहले। और अभी हम पहुंच गए हैं पांगना में, सारे दोस्त अभी इकट्ठे हो चुके हैं। तो अभी हम शादी वाले घर जाएंगे, इसके घर जाएंगे पहले, तो उसके बाद देखते हैं शादी वाले घर। और देखते देखते जा रहे हैं, और ड्राइवर देखिए बिल्कुल सीरियस मोड में आते हुए हमारे यहाँ पे। अब आपस में ऐसी बातें चलती रहती हैं, तो सीक्रेट वाली मियां बीबी वाली बातें होती हैं इनमें तो वैसे बाकी अभी हम बहुत ही खड़ी ढलान पे हैं जहाँ से गाड़ी बिल्कुल आराम से चढ़ानी पड़ रही है हमें। तो मैं इस टाइम कैसे दिखाऊँ आपको, इमेजिन कर लो ना, इमेजिन कर लो जैसे आप इमेजिन करते हैं ना फिल्म देखती बार भी, यार काश ये हीरोइन मेरी बंदी होती। और इसने बंदी बनने से पहले ब्रेकअप करवा दिया है। विकास हुई क्या नाम है सर, नूर आपते ही। कल आई थी वो नहीं कपिल शर्मा के शो में, बाकी वो देख रहा था मैं वैसे भी क्या है, पर उसमें एक सच्ची बात बोली उसने, इमोशनल कर देने वाली थी, कि आपकी अपनी बीबी ही परम सत्य है। कह रहा क्या मैंने आना नहीं, एक मिनट। तो लखन यार आफ्टर ऑल यू इंस्ट्रक्टर आफ्टर ऑल आई। तो गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा ऊपर है भाई का घर जहाँ पर शादी लगी हुई है। और भाई भी हमारे साथ हैं, इनकी सिस्टर की शादी है, और हमारे शुभम भाई जी भी चले हुए हैं सामान वगैरह लेके। मैं बोला मैं क्या चक्की लोदा थोड़े से कपड़े के किलो असर है। और ये देखो इनकी चेहरे पे कुदरती मुस्कान। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप उस पहाड़ी पे, वहाँ पे आपको धूप नहीं दिखेगी पर मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, अगर आपको धूप नहीं दिख रही है तो सोच लेना मन ही मन। देखो कैमरा में भी दिखेगी धूप आ रहा है, देखो दिख रही है। और यहाँ से काफ़ी चलने को, ये देखिए गाइस सेब का बगीचा लगता है मेरे को ये हमारे पीछे, बट इसमें सेब नहीं है अभी। बाकी ठंड का प्रकोप बहुत है, इसलिए मैंने जैकेट डाल दिया अपना। और यहाँ पर दो फ्रेंड्स और मिल चुके हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, बाकी घर में दिखाते हैं जरा घर पहुँच गए। बस जा रही है इस रोड पे, देखो देखो गाइस बहुत ज्यादा बस भी जाती है, वो बस भी जाती है। और
यहाँ पर थोड़ा रोड में भी सोलिंग वगैरह पड़ी है, प्रशासन काफ़ी ढीला है इस मामले में। मैं भी बोलता हूँ क्योंकि बचपन से मैं जब नानी के घर आता था इसी रोड पे, मेरे नानी के घर हैं आगे, मैं ये रोड जब से हो संभाला है तब से रोड ऐसा ही देखा है मैंने। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, हम अभी चढ़ रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं, मतलब कितना 100 मीटर तक रह गया घर। और आप देखो सामने घर है, दिख रहा है पीछे। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद यहाँ भी पहुँच चुके हैं, बट हमने हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि थकना मना है, इसलिए हमने रिवाल्टर नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं शादी के घर में, और ये देखिए हम पहुँच गए शादी वाले घर में। आ जाओ पहले, शादी वाले घर में पहुँच गए, बढ़िया लगा। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये देखो उम्र से बड़ा है, फिर बाल हो गए हैं इसके, बच्चा बड़ा है, हाँ ठगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहाड़ के VIP रूम, फील भी देखिए और पहाड़ों की फील भी देखना, कभी बिना ढक्कन वाले होते हो। तो गाइस यहाँ पर अभी भी धूप नहीं गई है, दूसरी तरफ देखेंगे आप, वो देखिए मतलब धूप है अभी, और हमने गिद्दड़ सिंह की देखी है, खाई है, देखी। तो ये देखिए अभी हम, ये देखिए इसका घर, ऊपर गया देखो, हमने सेकंड से आग भाई सीधी और आग, नीचे मेहमान इतने आएंगे, मतलब जहाँ जहाँ भी ज्ञाना पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ जो है मेहमान बैठे हुए हैं, तो हमने पर्सनल आग जला ली। यहाँ देखो इम्पोर्टेड आग है, इम्पोर्टेड, हाँ ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है बिल्कुल, और लग्जरी एकदम लग्जरी बढ़िया। एप्पल के बगीचे, ये देखो एप्पल के बगीचे, और ये एप्पल के बगीचे बहुत ही मशहूर है, ये एप्पल का बगीचा और यहाँ पे एप्पल लगते हैं, ये आपको हम ऐसे बताते नहीं है किसी को, पर आपको बता रहे हैं। लीजेंड को पता होता है ना भी एप्पल कहाँ लगते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है बताने की भी कहाँ लगते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पर एक चीज की खुशी हो रही है मुझे कि जोंके नहीं है, है ना, नहीं तो ऐसी ऐसी जगह पे मार करती है जहाँ आपने कभी सोची ना होगी। तो अभी हम बहुत ही अच्छे से आग सेक रहे हैं। कुछ अंग्रेजी दामें भी होती हैं जिनको खाना मैं पसंद नहीं करता। ये लड़का, इसको मैंने पूछा मैं क्या कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये प्लस वन में पढ़ता है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, हैं प्लस वन, कितने सब्जेक्ट होते हैं प्लस वन में, कितने, कौन 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 सा सब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, यूट्यूब पे आएंगे आप, क्या क्या रखा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट रखा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये तो दो ही हुए, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी पॉलिटिकल हिस्ट्री रखा हुआ है इसने, बाकी बाकी यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यूट्यूब पे आएंगे आप। तो अभी खाना चुकाया तो हम खा लेते हैं, बाद में करेंगे प्लस वन वाले भाई से पर्सनल बातचीत करेंगे कुछ। तो फ्रेंड्स हमने खा लिया खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा हमें, और
बहुत ही लाजवाब होगी। हाँ बहुत मजा आया खाने में। ये देखो गलियाड़ी सिक्खा वाला देखो, ये प्लस वन में पड़ता है और एक मीटर भी नहीं लगाया मुझे, एक मीटर भी हाइट होगी इसकी। चलो चला गया, अब आफ्टर ऑल हम मैच्योर हो चुके हैं, अब ज्यादा तो बच्चे के पीछे नहीं पड़ना। ये रेड स्वेटर जो है ये बोलता है कि मैं प्लस वन में पढ़ता हूँ। अच्छा लगा ये सुन के, पांच सब्जेक्ट भी बता दिए इसने, ये भी अच्छा था। उसके बाद ये थोड़ा मात खा गया पॉलिटिकल हिस्ट्री बोल के तो इसका झूठ पकड़ लिया हमने। और फेवरेट सब्जेक्ट हाँ बोले तो बैंगन। अब ये दोस्त हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। बाकी शादी का माहौल देखिए, यहाँ बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बढ़िया। भाई को बार बार याद आ रही है कि हमने अच्छा किया, बुलेट पे नहीं आया। सही बात, जो स्वास्थ्य खराब हो सकता था हमारा, हमारी जो सेहत है बिगड़ जानी थी वो थोड़ी सी। तो अभी चलते हैं नीचे दोस्तों के पास, थोड़ा फन वगैरह करते हैं, बातचीत, तो और उसके बाद हम जा रहे हैं मेरी बुआ के घर में। भाई से बात हो चुकी है, हम अभी पहुंचेंगे वहां पर थोड़ी देर में, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेने। बाकी रात को तो बताया सोना ही होता है, बाकी जहां मर्जी सो लो जाए। हम पहुंच चुके हैं लक्की के बुआ के घर, जो कि अभी हम बता रहा था लक्की, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी टाइम भी हो रहा है कुछ, तो अभी टाइम भी हो रहा है 11:17। तो पहले तो दूसरे वाले रूम में बैठ के बातें कर रहे थे, तो अभी मैं वहाँ से उठ के आ गया क्योंकि मुझे नींद आ रही थी थोड़ी, और अभी वीडियो भी एडिट करने को है, इसलिए मैं वहाँ से उठ के आ गया। अभी देखता हूँ वीडियो एडिट करता हूँ जल्दी जल्दी से जितनी भी होती है, और नींद बहुत आ रही है इसलिए मैं सो जाऊँगा। और ऊपर से फ़ोन में भी चार्जिंग थोड़ी कम हो रही है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं कितना होता है फिर में। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, तो इसलिए अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, जो कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में।